Introducing Edekumi's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the Main's examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect 7 subject wise PYQ sessions, 18 full length tests, including 2 essay tests, model answers for all test papers, post test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your Main's. With this support program and test series you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams don't miss out on this opportunity register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation take charge of your aspirations and make them a reality now today we are going to solve some prelims-related questions that is based on polity. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. So let's start without wasting any time. The first question is with reference to Gram Neale Act, which of the following statements is or are correct? Now this question came in UPSC Prelims 2016. So basically, you can expect such questions in future also. Now the first statement is as per the Act, Gram Naials can hear only civil cases and not criminal cases. The second statement is the Act allows local social activists as mediators or reconciliators. Select the correct answer using the code given below: one only, two only, both one and two, neither one. देखिए ग्राम न्यायालय और नालसा इस पे जो भी इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हैं जुडिशियल है या जुडिशियल बॉडीज है इस पे बेस्ड यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है तो इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में भी हो सकता है इससे कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ग्राम न्यायालय एक्ट पर ही आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरह की चीजों में आपको क्लियर रहना क्योंकि इन दी रिट टाइम्स यू हैव सीन दैट दी यूपीएससी हैज बीन आस्किंग फ्रॉम एक्ट से पूछ रही है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक पर्टिकुलर एक्ट में क्या दिया हुआ है इससे पूछ रही है और ये ऐसे एक्ट होते हैं जो आप पढ़ते हैं while preparing for अगर आप मीन की तैयारी कर रहे हैं तो जीएसटू में आपने कहीं ग्राम न्यायालय के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा या नालसा के बारे में definitely पढ़ा होगा। इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा एंड देन वी विल डिस्क दमेशन बिहाइंड

जब भी आप इस तरह के स्टेटमेंट को एग्जाम में देखते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए थोड़ा सा यहां पर आप एनालाइज करिए कि क्या स्टेटमेंट एनाइज स्टेटमेंट है यूपीएससी के द्वारा क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होते हैं दे आर रॉन्ग ठीक है तो इस तरह से भी आप कुछ कुछ टेक्निक्स कुछ कुछ चीजों पर अगर ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि प्रेल में आपको दो तीन क्वेश्चन में फायदा हो जाए ठीक है सारे क्वेश्चन में अगेन ये नहीं लगेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन में जिसमें आप कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं यू कैन सी दीज स्मॉल थिंग्स और यही हम लोग आपको सिखाएंगे थ्रू दिस आपका गाइडेड प्रोग्राम

इनेक्टेड बाय द लेजिस्टर सी द पॉवर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू ऑल द लेटिव इन एक्टमेंटोर प्रेसिडेंट एंड दवर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवेन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहले तो आप इसका सही आंसर बताइए ओके उसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं, जो की आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन फंडामेंटल राइट बेसिकली पार्ट थ्री ऑफ इंडियन में दिया हुआ है, 13, तो वहां पर है कि जो भी लॉस गवर्नमेंट बनाती है जो भी लॉज ऑर्डर बाई एग्जीक्यूटिव दैट इज ऑल्सो कैटेगराइज अंदर बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस पे है सुप्रीम कोर्ट कैन इनिशिएट जुडिशियल रिव्यू ठीक है और जुडिशियल रिव्यू जनरली जो आर्टिकल में दिया हुआ is, तो आर्टिकल थर्टीन इसको एक्सप्लिस जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट गिवेन इन दी पार्ट थ्री देन इन केस सुप्रीम कोर्ट कैन इनिशिएट अ जुडिशियल रिव्यू एंड कैन ऑल्सो डिक्लेयर नल एंड वर्ड अगर वो लॉ जो है इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट है अगर उसको जो है किसी तरह से फंडामेंटल राइट right को अफेक्ट कर रहा है तो उस में वो नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो की ये पावर हायर जुडिशियरी को देती है सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट की वो इस केस में जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं लॉज को देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्या है दवर ऑफ जुडिशियरी टू प्रोनाउस अपॉन दी कॉन्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉस एंड एक्जीक्यूट

वेन इट बिकम एक्टिव वेन इट इज पास बाई द लेजिस्लेचर एंड गिवन एसेंटेड बाई द प्रेसिडेंट देजिस्लेशन बिकम दी एक्ट ठीक है तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका सुप्रीम कोर्ट या जो है आपका जुडिशरी का इंटरफेरेंस नहीं है क्योंकि ये प्योरली लेजिस्लेटिव एक्ट है तो ये जुडिशियल रिव्यू नहीं बोल सकते इफ के कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना अर्लियर इवन गोलकनाथ केस में जो है अपना अर्लियर जो जजमेंट है उसको चेंज किया है तो इसको दिस थिंग नॉट कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू दिस इज कॉल्ड रिव्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है यहां पर रिव्यू जूरिस्टिक्शन का मतलब क्या हुआ कोर्ट जो की अर्लियर डिसीजन

बिलो वन एंड टू ओनली थ्री एंड फोर ओनली टू एंड थ्री ओनली और वन एंड फोर ओनली ठीक है तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है एंड विल डिस्कस अबाउट दी राइट आंसर ऑल्सो तो इसका सही आंसर है वन एंड टू ओनली देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता है आप सिर्फ स्टेटमेंट फोर को अगर देखते हैं कि ऑल सीनियर सिटीजन यू नो ऐसे कंट्री में कभी भी इस तरह के कैटेगरीज नहीं बनाए जाते हैं खास करके वेन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट की ऑल सीनियर सिटीजन बिकॉज यू नो सम सीनियर सिटीजन आर वेल टू डू ठीक है उनके पास दे हैव एनफ मनी टू फाइनेंस देयर लीगल एड्स uh, दे दे आर सीकिंग सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ऑल इंडिया ऑन सीनियर सिटीजन को जो है आपको पैसा देने का जरूरत है या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने का जरूरत है ठीक है तो इसी कारण फोर को ही अगर आप देखेंगे तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो बच जाता है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ठीक है अगर आप यहां पर देखेंगे अब देखिए क्या है अगर आपको नालसा एक्ट के बारे में पता है अगर आपने एक्ट पढ़ा है तो उसमें आप देखेंगे पर्सन एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज जो उसमें दिया हुआ है दैट इज वेमेन एंड चिल्ड्रेन में इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर वॉयलेंस, फ्लड एंड आगे जो दिया हुआ है पर्सन हुनुअल इनकम नॉट एक्सीड रूपीज वन लैख ऑब्वियसली एक इनकम का भी जो है कैटेगरी यहां पर रखा गया है एंड विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार ठीक है तो इस तरह की चीजों जिनके साथ हुआ है वो जो है इसमें एलिजिबल बन जाते हैं अंडर नालसा गेटिंग फ्री लीगल एड ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इस तरह की चीजों पर बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वाइल्ड प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स और वाइल्ड प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स आप जब भी इस तरह के एक्ट्स को देखें तो इसके विद इन एक्ट में क्या प्रोविजन दिए हुए हैं कौन लोग एलिजिबल है अगर कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहा है तो कौन लोग एलिजिबल है ये जरूर देखें अगर आप देख के रखते हैं तो आप कहीं कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को बना सकते थे नो मूविंग ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट सेकंड इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट थर्ड इज अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ यूनियन टेरिटरी एंड फोर्थ इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट ठीक है तो आपको बताना है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके ऑप्शन दिखे है वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली वन एंड फोर ओनली और थ्री एंड फोर ओनली जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है वन एंड फोर ओनली देखिए आपको पता है देर आर डिफरेंट जुरिस्टिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और वन ऑफ दैट थिंग इज ओरिजिनल आपको क्या समझ में आता है ऑरिजिनल मतलब क्या होता है कि अगर आप मैं लीगल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करूं या कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में नॉट बाई दी मेथड ऑफ अपील ओरिजिनल का ये मतलब हुआ कि नॉट बाई मेथड ऑफ अपील अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि यू you नो know, आपको पता है कि अगर हाईकोर्ट में कोई केस जो है अगर आपको लगता है तो आप क्या करते हैं यू कैन अपील दैट इन सुप्रीम कोर्ट ठीक है अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो यू कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू दी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस को सुन सकता है नॉट बाई दी मैटर ऑफ अपील ऐसा नहीं है कि अपील के द्वारा आप गए हैं ठीक है अपील इज डिफरेंट थिंग ये आप डायरेक्टली मूव करेंगे अब कुछ ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास ही जो है ओरिजिनल ऑरिजिनल है और एक्सक्लूसिव भी है एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि ये केस हाईकोर्ट नहीं नहीं देख सकता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है तो ऐसा कौन सा केसेस है जैसे कि डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखते होंगे कभी भी आप कभी केस देखे होंगे कि सेंटर वर्सेज एनसीटी डेली का केस हुआ या सेंटर वर्सेज बिहार का केस हुआ तो दीज केसेज डायरेक्टली गो टू दी सुप्रीम कोर्ट और ये जो है ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है ठीक है वैसे ही अ डिस्प्यूट अगर दो स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है तो उस केस में भी जो दोनों स्टेट्स दे कैन मूव डायरेक्टली टू दी सुप्रीम कोर्ट तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्टिक

इंट्रोड्यूस टू आपको बताना है कि जब पी आई एल इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन जुडिशियल सिस्टम उस समय हमारे चीफ जस्टिस कौन थे the options given are M. A. M. A. S. आनंद और पी एन भगवती ठीक है जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पीएन भगवत देखिए पीएन भगवती वॉज दी सीजीआई ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जुलाई बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, this, this अगर आपको पता है तो आपको पता है अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है पी आई एल कब आया था तो आप एस्टिमेट कर सकते थे कि उस समय सीजीआई ये थे थीके? लेकिन आपको इसमें जो है थोड़ा सा आपका मेमोरी टेस्ट होगा और फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट होगा बहुत टाइम क्या होता है है कि यू यू मस्ट आप आप इन इन सब चीजों के बारे में रीड अबाउट थिंग्स ठीक का जब प्रिपरेशन करते हैं वाइल राइट अबाउट जुडिशियल आप हो सकता है सीजीआई को कोट कर दें या इस तरह के पी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है और इसको आप प्रेलिम्स में यूज कर सकते हैं मैंने बार बार रिपीट किया है कि अलॉट ऑफ थिंग्स यू लर्न इन मेन्स दैट माइट कम यूजफुल इन दी प्रम्स एग्जाम ऑल्सो ठीक है तो इसी कारण इस एग्जाम को होलिस्टिकली प्रिपेयर करिए अगर आप मेन्स की तैयारी कर रहे हैं अभी तो बिल्कुल मेंस में आंसर राइटिंग अच्छे से करिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको अच्छे से आंसर करिए उसमें बहुत इन्फो भी आपको मिलेगा मॉडल आंसर के थ्रू आपको इन्फो भी मिलता है एंड इंप्रूव भी होता है आपका आंसर राइटिंग ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू